गुलबर्गा शहर में हाउस ऑफ ह्यूमैनिटी वेलफेयर एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से हीरोज ऑफ नेशन अवार्ड प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें एजुकेशन, मेडिकल, मीडिया और हेल्थ के अलावा दीगर सेक्टर के लोग जो ह्यूमैनिटी, सोसाइटी और नेशन के लिए काम कर रहे हैं, इन तमाम को इन्वाइट कर हीरोज ऑफ नेशन अवार्ड से नवाजा गया है। हाउस ऑफ ह्यूमैनिटी चैरिटेबल ट्रस्ट का मकसद सोसाइटी, ह्यूमैनिटी और नेशन के लिए खिदमत अंजाम देने वालों की हौसला अफजाई करना था। हीरोज ऑफ नेशन अवार्ड हासिल कर तमाम लोगों ने हाउस ऑफ ह्यूमैनिटी ट्रस्ट के जिम्मेदारों का शुक्रिया अदा किया है। इस मौके पर कई चीफ गेस्ट यहां मौजूद थे, इन तमाम को फेलिसिटेट कर ट्रॉफीज दी गई हैं। मजीद जानकारी के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। होटल को ब्लॉक होने के बाद जस्ट 4-5 दिन के बाद G99 की तरफ से हमने छोटा सा सर्विस चालू किया, पानी, जूस, बिस्किट्स, फ्रूट्स लेके हम गुलबर्गा जहाँ पे भी बसे हैं, रेलवे स्टेशन ऐसे जहाँ पे लोग नहीं पहुँचते थे वो जब हम पहुँच के थोड़ा सर्विस दे दिए हमने। 4-5 दिन के बाद हमने खाना देने को चालू किया सब, क्योंकि खाने का बहुत जरूरी था। मिनिमम 250-300 लोगों को हम 70 डेज खाना दे दिया हमने। एक बार 250-300 लोगों को खाना हमने झोपड़पट्टी, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड में जो भी बेगर्स रहते उन लोगों को हमने सर्विस दे दिए। जब और उसके बाद में 4,500 फैमिलीज को हमने बहुत अच्छे बढ़िया गिफ्ट दे दिए हमने। सो टोटल वो 70 डेज में हम 75 लाख का एक्सपेंडिचर हुआ सर। हम G90, G55 से सिर्फ 10 लाख रुपए हमने इन्वेस्ट किए थे, बाकी 65 लाख रुपीज आप जैसे लोगों की एक कॉन्ट्रीब्यूशन से हमने 75 लाख रुपीज का 70 डेज में सर्विस दे दिए थे। जब मैं प्रोफेसर संजय कुमार माकल, मैं पीडी इंजीनियरिंग कॉलेज में काम करता हूँ, एसोसिएट प्रोफेसर ICS से। आज हाउस ऑफ ह्यूमैनिटी ऑर्गेनाइजेशन वाले ये बड़े पैमाने पे ये फंक्शन ऑर्गेनाइज किए थे, तो यहाँ ये फंक्शन बहुत सारे लोगों को रिकॉग्नाइज करके अवार्ड दिए। आज जो सोशल वर्क में काम किए, जो इंसानियत के लिए स्पेशली, जो जितने लोग भूखे थे वो भूखे लोगों को तो रोज़ उनको राशन पहुंचाना, खाना पहुंचाना, ऐसे लोग बहुत सारे जो जिनके मरीजों को खून की ज़रूरत था, कई लोग क्या करे खून लोगों को खून पेशेंट को जाके खून की सर्विस देते थे ऐसा, तो कई डायलिसिस फ्री में डायलिसिस कराना, फ्री में ट्रीटमेंट करना और स्कॉलरशिप देना, ऐसे बहुत सारे मतलब गरीबों को का हेल्प करने के लिए ये काम किए वाले लोग जितने भी लोग थे वो लोगों को इधर बुला के उनका इज्जत, उनका हौसला बढ़ाए, लोग उनको अवार्ड दिए। तो इससे मतलब क्या है, आज की दौर में मतलब आजकल जो है ना कम के बीच में एक बड़ा दरार पैदा हो रहा है लोग, लेकिन ये हाउस ऑफ ह्यूमैनिटी जो है ना सभी लोगों को मतलब जात पात सब छोड़ के सभी लोगों को, जो ह्यूमन सब ना हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन कोई भी हो, सभी लोगों को बुला के अवार्ड दिए हैं। तो इससे क्या होता, हमारे बहुत सारे लोगों को एक भाईचारा भी मिला, नेशनल इंटीग्रेशन भी बढ़ाए, और मेरा क्या है हम सब मिल के और सबको एक हौसला भी मिला कि हम आगे मिलके एक अंजाम देंगे, बोलकर सब लोग इसमें शामिल हुए। इसलिए मैं सभी लोगों के तरफ से हबीब साहब और उनके टीम को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आज हाउस ऑफ ह्यूमैनिटी की तरफ से जो हीरोज़ ऑफ नेशन अवार्ड ऑफ ऑनर सेरेमनी जो रखा गया था, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था। वो प्रोग्राम में मैंने आज देखा कि जेन्युइन जो सोशल वर्कर्स हैं, जो कोविड में जो ग्राउंड लेवल काम किए, और जो ऐसे लोग थे जो बैक डोर पे थे, आज वो लोगों को रिकॉग्नाइज किया गया, माशाल्लाह देख के बहुत खुशी हुई। जो जेन्युइन वर्कर्स थे वो लोगों को आज अवार्ड किया गया, मैं इसके लिए हमारे हबीब भाई और उनकी सारी टीम को मुबारकबाद देता हूँ। आज का जो प्रोग्राम रखा गया है, हबीबुल रहमान हमारे दोस्त, हमारे छोटे भाई, अल्हम्दुलिल्लाह इनके एक्टिविटीज़ में ये बहुत बड़ा प्रोग्राम किया गया है, और हमारे सोशल एक्टिविटीज़ जितने भी हमारे आज हम लोग किए हैं 20 साल से, आज तक कभी मालूम नहीं हुआ, मगर आज उसका सभी मामला सामने लाने की वजह है हमारे अच्छे दोस्त, जो बताना चाह रहे हैं सभी को कि ये इतने अच्छे पर्सन है,
तो आप लोग भी इनको देख के सीखिए। तो हमारे से भी अच्छे सीनियर है, मैं उनका भी शुक्र अदा करता हूँ, अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र अदा करता हूँ कि ऐसे प्रोग्राम हमेशा होना चाहिए। और हबीबुर रहमान जैसे यंगस्टर्स को सभी सीनियर और सब लोग मिल के इंकरेज करना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी है कि ऐसे यंगस्टर्स को हम फ्रंट पे लाएंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह आगे के जो जनरेशन है उनको कुछ सीखने के लिए मिलेगा। मैं मोहम्मद आसिम सेल्फ लैंड विजन ट्रस्ट की जानिब से मैं बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ हबीबुर रहमान साहब का, जो एसटीओ ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट हैं। तो ये बहुत ही इंकरेजमेंट है सोशल वर्कर्स के लिए जो ये आज जो अवार्ड से नवाजे हैं सारे सोशल एक्टिविस्ट को बुला के, तो ये हमें बहुत ही इंकरेज करता है कि आगे भी हम बढ़ चढ़ के ऐसे काम करें। और रियली आई थैंक्स फ्रॉम माई बॉटम ऑफ माई हार्ट टू हबीबुर रहमान सर, एंड लेट हिम ग्रो एंड अपलिफ्ट हिज ऑर्गेनाइजेशन इन गुलबर्गा, एंड आई रियली आई एम एक्सपेक्टिंग लॉट फ्रॉम हिम, एंड ही डिजर्व्स फॉर दैट, एंड ही इज रनिंग लॉट ऑफ इंस्टीट्यूट्स, एंड आई रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स टू मीट हिम पर्सनली, कम टू हिज ऑफिस एंड टेक द बेनिफिट्स वॉट एवर द ट्रेनिंग इज प्रोवाइडिंग। सो इट एक्चुअली स्पेशली फॉर द प्रोफेशनल्स वो डूइंग इंजीनियरिंग एंड फॉर दोज स्टूडेंट्स आई वॉन्ट टू रिक्वेस्ट दैम थ्रू दिस प्लेटफॉर्म, कम एंड प्लीज इंटरेक्ट विद हबीबुर रहमान सर, ही इज़ अ वेरी गुड यू नो ट्रेनर एंड ही हैज़ अ गुड टीम हु रिप्रेजेंट ट्रेनिंग। सो रियली आई थैंक्स वंस अगेन, एंड लेट ऑल ग्रो, वी ऑल ग्रो इन दिस आवर ओन सेक्टर्स, एंड जजाकल्ला खैर, थैंक यू वेरी मच। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही फैंटास्टिक एंड आई वुड से एक रिमार्केबल प्रोग्राम है। आई मीन इनफैक्ट वी कैन से दिस इज़ दी प्रोबेबली आई एम फीलिंग लाइक यू नो दिस इज द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ गुलबर्गा के पीपल आर डूइंग सच यू नो कंस्ट्रक्टिव वर्क एंड डिफरेंट फील्ड्स। यूजुअली जो प्रोग्राम्स होते हैं दैट इज़ लाइक यू नो एक पर्टिकुलर फील्ड में जो एन जी ओज हो या फिर जो कुछ कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कंस्ट्रक्टिव, तो वो टाइप के प्रोग्राम्स होते हैं। बट हियर वी आर सीइंग कि पीपल फ्रॉम ऑल यू नो कम्युनिटीज़ इरेस्पेक्टिव ऑफ कैस्ट रिलीजन एंड ऑल, एक द कॉमन यूनाइटिंग फैक्टर इज़ ह्यूमैनिटी, दैट इज़ द थिंग। मतलब इनफैक्ट द एसेंस ऑफ H2O का जो एसेंस है दैट इज़ वॉट वी गेट ओवर हियर, यू नो कि द हाउस ऑफ ह्यूमैनिटी, आई मीन पीपल हु आर वर्किंग फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी, फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी, विदाउट एनी वेस्टेड इंटरेस्ट, विदाउट एनी सेल्फ इंटरेस्ट। और इनफैक्ट जब लोग आ भी रहे थे एंड व्हेन दे वर टेकिंग द अवार्ड, इवन द बॉडी लैंग्वेज वॉज डिपिक्टिंग के यू नो देयर सिंसियर सिंसियरिटी और जितना उनके अंदर जो इखलास है कि दे आर जस्ट एब्सोल्युटली डूइंग इट यू नो फॉर द सेक ऑफ गॉड, फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी। तो उसमें कोई उनका जो ना दिखावा नहीं कुछ नहीं, बट द ओनली पॉइंट इज वाई यू नो दिस एप्रिशिएशन इज बींग डन इज बिकॉज सो दैट यू नो इस तरीके का काम जो हो रहा है वो लोगों को उसके बारे में जो ना अवेयरनेस, आई मीन इनफैक्ट फॉर मी ऑल्सो देयर सेवरल पीपल कि जो इतना ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। कुछ हद तक हम देखे थे कोविड में ये टाइप का जो ना एक सैनिटाइजिंग हुआ था, बट दैट वॉज रेस्ट्रिक्टेड टू जस्ट फॉर यू नो वन एंड हाफ ईयर, बट आफ्टर दैट इट वॉज रिजॉल्व। बट दिस इज वॉट वी आर सीइंग के जो ना इस लेवल का अगर सैनिटाइजिंग हो, व्हेन वी सैनिटाइज कुछ अच्छा काम जब सैनिटाइज होता है, इट्स नॉट 2+2=4, इट्स लाइक 2+2=20 या फिर जो ना इट्स लाइक एन नंबर है, आई मीन इट्स नॉट डिफाइनेबल। सो दैट इज हाउ इट इज़, मतलब तो सैनिटाइज जब होते हैं तो काम जो है ना एक्सपोनेंशियल लेवल पे जो ना बढ़ता है। सो आई कंग्रेचुलेट दी H2O टीम के बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, एंड द पीपल जो हीरोज़ हैं हमारे माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। मैं दुआ करता हूँ कि परवाह जो है ना कबूल करे और हर कोई जो है ना इसमें जिस लेवल पे अपना कंट्रीब्यूशन कर सकता है उसमें जो है ना कंट्रीब्यूट करे। थैंक यू सो मच। सो ब्रदर्स लाइक आई एम रियली एक्साइटेड एंड आई एम रियली लाइक काइंड ऑफ आई थिंक इट्स अ मार्वेलस एक्सपीरियंस फॉर मी टू सी दिस काइंड ऑफ इनिशिएटिव इन गुलबर्गा, स्पेशली कंडक्टेड बाय ब्रदर लाइक हबीबुर रहमान, हू सीम्स टू बी वेरी डायनामिक एंड एक्सपायरिंग। आई रियली अप्रिशिएट दैट। सो लाइक आई वुड लाइक टू ऐड जस्ट अ फ्यू वर्ड्स। वेल प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हु वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पर्सन्स इन ह्यूमन हिस्ट्री, ही सेड दैट सर्विस टू ह्यूमैनिटी इज़ वन ऑफ द बेस्ट
admire one of the best tasks that Allah likes. So it's the service to humanity. So here what I can see is that people coming from different walks of life, different professions, and the kind of excellent job they have done at their levels is simply tremendous and mind-blowing. Alhamdulillah, I appreciate that they have actually demonstrated that what service to humanity means. Their actions are speaking. There are no words in that. They're practically actions. So I'm really happy to see this, and in my own little way, if I get an opportunity to contribute to my own alma mater, PDA College, as well as to my Gulbarga, the place where I born and brought up, so it would be a really great, excellent opportunity. We'll be glad to have you, sir. So thank you very much. Thank you, sir. All the best. Assalamu alaikum, alhamdulillah. Aaj 18th March 2023 ko hum log ne Heroes of Nation ke naam se ek program rakha. Hum log House of Humanity Charitable Trust se hain. Hum log chahte the ki jitne log Gulbarga district mein social service mein lage hue hain, medical field mein ho, education field mein ho, health sector mein ho, jo bhi aitbaar se log humanitarian causes mein kaam kar rahe hain aur nation building ke liye mehnatein kar rahe hain, un logon ko recognize kiya jaye. Humne apni taraf se kuch mukhtasar si koshishein ki, halanki aisa ehsaas hai ki bahut sare log abhi bhi chhoote hue hain, bahut sare logon tak pahunchna chahiye tha jin tak hum nahi pahunch sake hain. Aise bahut sare ladies hain, khawateen hain jo Gulbarga district mein kaam karti hain social service mein, un tak bhi nahi pahuncha ja saka hai. Hum ummeed karte hain aur koshish karenge ki inshaallah agle program mein sare logon ko include karne ki koshish ki jaye. Is program ka jo agenda hai wo ye hai ki har koi apne apne aitbaar se ek alag line mein kaam kar raha hai. Koi hai jo free dialysis mein kaam kar raha hai jaise Sharnu Pappa saab hain, koi hai jo food distribution mein kaam kar raha hai jaise hamari H2O ki team hai aur Dr. SK Patel saab ki team hai. Isi tarah dusre log hain jo alag alag medication supply mein lage hue hain. Kuch log minorities ke training programs ke isme hain jaisa Asimur Rahman saab hain aur Azam Ali saab hain aur Mohammad Iqbal Ali saab hain. Istafa Baitul Maal wale hain, Zora Trust wale hain, alag alag tareeqe se alag alag segment mein kaam karne wale log hain. To in tamam logon ko ek umbrella ke under laya jaye, sab ek dusre se coordinate kare aur ek dusre se jo field mein jude hue log hain unki help ho sake. Aur isi tareeqe se hamare beech, hamare shahar ke beech ittehad aur ittefaq ka mahol bhi bana rahe aur hum log humanitarian causes mein ek dusre ke haath ko mazboot kare. Khaas taur pe aap media ke zariye se hamara, hum tamam H2O ki team ki taraf se ye message hai ki ye jo aap naujawan dekh rahe hain, in naujawanon ke paas aapki tarah do option. एक अपनी ज़िंदगी में ऐश अयाशी या फिर आराम करते हुए या फिर अपने कॉलेज या अपनी कोशिशों में लगे हुए या किसी चाय की होटल पे घंटों अपने दोस्तों के साथ देश के हालात पे बात करते हुए गुजारें, या दूसरा उठें, साथ में जुड़ें और कुछ कोशिश करें और अपने देश को बेहतर बनाने के लिए थोड़ा सा अपने आराम को कुर्बान करें. तो ये नौजवान अगर कुर्बान कर सकते हैं अपनी थोड़ी सी कोशिशों को, अपने थोड़े से टाइम को, अपने आराम को, तो आप सब कर सकते हैं. और इसी तरह हमारा देश, हमारा गुलबर्गा और हमारा देश बेहतर बन सकता है. नौजवानों से ख़ास तौर पर गुजारिश है कि डायरेक्शन लेस ना रहें. डायरेक्शन लेस ज़िंदगी बहुत बेकार ज़िंदगी है. अपने लिए, अपने ख़ानदान के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने देश के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए हेल्पफुल बनने की कोशिश करें. देखिए, एक ज़िंदगी वो है जो आप गुमनाम गुजारेंगे. भले ही आप कितने भी बड़े ब्रांड्स पहन लो, जितनी चाहे बड़ी गाड़ियाँ ले लो, जितने चाहे बड़े बंगले बना लो, कोई याद रखने वाला नहीं. हमसे पहले बहुत सारे लोग ताजमहल और पिरामिड बनाकर गुजर चुके हैं. अगर ज़िंदगी में हमारा नाम बाकी रहना है तो लेगेसी के लिए काम करिए. और लेगेसी हमारी ज़िंदगी की लाइफ स्टोरी से बढ़कर लेगेसी कब बनेगी? जब हम अपने आप से ज़्यादा अपने अतराफ़ के लोगों की फ़िक्र करना शुरू करेंगे. अपने भाई बहनों की फ़िक्र करिए, अपने माँ बाप, अपने पड़ोसियों की, अपने रिश्तेदारों की फ़िक्र करिए और अपने देश और अपनी सोसाइटी की फ़िक्र करिए, तो आपकी ज़िंदगी लेगेसी बनेगी और आप हीरोज़ ऑफ नेशन बनेंगे. थैंक यू सो मच.